टकटकी लगाए देख रहा है कि वो दिन जल्द से जल्द आए कि आप पूरे देश की बागडोर संभाले, पूरे देश में राज करने के लिए, पूरे देश को संभालने के लिए, चाहे रोजगार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, एक नौजवान है। और जब एक नौजवान प्रधानमंत्री देश का होगा तो जाहिर है कि काया पलट जाएगी, बहुत से रोजगार यहाँ आ जाएंगे, बहुत से इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, स्वास्थ्य सेवा सुधर जाएगी, शिक्षा सुधर जाएगी। और जब अखबार पढ़ता हूँ, मीडिया को देखता हूँ, मीडिया को छोड़ दें, सोशल मीडिया को जब भी देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सब लोग आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। जो हमारे पूरे भारतवर्ष के, हमारे गठबंधन के, इंडिया के आप बहुत बड़े सम्मानित नेता हैं, आपकी तरफ पूरा हिंदुस्तान आपकी तरफ नज़र लगाए देख रहा है, टकटकी लगाए देख रहा है कि वो दिन जल्द से जल्द आए कि आप पूरे देश की बागडोर संभालें। राष्ट्रीय जनता दल हो या कोई भी जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, हमारे श्री तीर्थंकर भट्टाचार्य जी बैठे हैं, और जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, जो भी लोग हमारे गठबंधन के साथ हैं, उन लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमें पूरे देश में राज करने के लिए, पूरे देश को संभालने के लिए, चाहे रोजगार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, एक नौजवान है। और जब एक नौजवान प्रधानमंत्री देश का होगा तो जाहिर है कि काया पलट जाएगी, बहुत से रोजगार यहाँ आ जाएंगे, बहुत से इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, स्वास्थ्य सेवा सुधर जाएगी, शिक्षा सुधर जाएगी। और साथ साथ जो किसानों की दयनीय हालत जो एनडीए सरकार ने कर रखी है, भाजपा की सरकार ने कर रखी है, मैं समझता हूँ बहुत जल्द सुधरेगा, वो दिन आने वाला है, वो दिन 2-3 महीने के अंदर आ रहा है। आप लोग बिल्कुल एफिडेविट ले, आप लोग कसम खाएं कि हम लोग माननीय राहुल जी को लाएंगे, जल्द से जल्द लाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल आपकी तरफ है, आपने माननीय अखिलेश जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनसे आपने सुना कि कल हमारे सम्मानित लीडर, हमारे नेता को कल बहुत देर तक, सुबह 11 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ईडी ने बैठाल करके रखा, और आज हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी जी को बैठा करके रखा है। आप सोचें, नहीं तो आज वो इस सरजमीन पर होते और भी रुख बेहतर होता। बहरहाल हम वो ख्वाब देख रहे हैं जिस ख्वाब के जरिए शर्मिंदा ताबीर होगा और आप प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता आपके साथ है, सीमांचल की जनता ही नहीं, कोसी की जनता, बिहार की जनता आपके साथ है। और जब अखबार पढ़ता हूँ, मीडिया को देखता हूँ, मीडिया को छोड़ दें, सोशल मीडिया को जब भी देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सब लोग आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि जल्द से वो दिन जल्द से जल्द आए ताकि आप इस हुकूमत को, बागडोर को संभाल सकें और डगमगाते हिंदुस्तान को अपने राह पर ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।